गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर। हम लोग जो फैमिलीज़ कर रहे थे उसमें आज मैं आप मोनोकॉटिलेडन्स की फैमिली बताऊंगी, मोनोकॉट्स की। और मोनोकॉट्स को डाइकॉट से ज़्यादा एडवांस्ड माना जाता है। लीलिएसी जो कुल है ये प्याज का कुल है, प्याज और लहसुन, ठीक है। एंग्लर और प्रांटल ने इसको मोनोकॉटिलेडन में तो रखा ही है, अपन जानते हैं मोनोकॉट की फैमिली है। कोरोनेरी इसका बैंगलर बैंथम एंड हुकर ने कोरोनेरी ऑर्डर दिया है। एंग्लर एंड पेंटल ने मोनोकॉटिलीडन में लीली फ्लोरी ऑर्डर के अंतर्गत रखा है। 254 जनरा विश्व में पाए जाते हैं और 4000 प्रजातियां हैं इस फैमिली की। और इंडिया में 35 जनरा और 189 स्पीशीज़ हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्लांट्स हैं आप और इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस साथ में इसका जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो कि मैंने आपको बताया ये प्याज की फैमिली है। तो एडिबल प्लांट्स के अंदर जो खाने में प्रयोग किए जाते हैं, एलियम सीपा कहते हैं प्याज को, एलियम सटाइवम कहते हैं लहसुन को। लहसुन की जो कलियाँ होती हैं जिसको हम बल्ब कहते हैं, उससे ऑयल भी निकाला जाता है जो कि आपके मसालों में काम आता है, टॉनिक भी होता है और वर्मी फ्यूज कीड़े वगैरह मारने के काम में भी इसको, पेट के कीड़े मारने के लिए भी इसको दिया जाता है। एस्पेरेगस ऑफिसिनालिस जो है मूसली, इसकी सब्जी भी बनती है। एलोवेरा जो ग्वारपाठा है इसकी भी सब्जी बनाई जाती है। मेडिसिनल प्लांट औषधीय पादप के अंदर आप जानते हो एस्पेरेगस रेसिमोसस जो कि मूसली है, इसकी जड़ से जो ऑयल निकलता है वो नर्वस और रूमेटिक डिजीज़ यानी हड्डियों की बीमारियों में, गठिया इत्यादि में इसको प्रयोग किया जाता है। ये टॉनिक भी है जो कि बल देता है और आपके स्ट्रेंथ देता है और स्किन डिजीज़ में भी काम आता है। एलोवेरा आप जानते हो जिसको ग्वारपाठा कहते हैं, इसकी सब्जी तो बनती है प्लस पाइल्स में, और पाइल्स और बवासीर हो जाता है उसमें इसको काम में लेते हैं। ग्लोरियोसा सुपरबा ये मालाबार ग्लोरी इसको लिली कहते हैं, ये जब डिलीवरी होती है तो लेबर पेन में इसको मेडिसिन के रूप में दिया जाता है। अबॉर्शन कराने के लिए भी ग्लोरियोसा सुपरबा दिया जाता है और इसका जो लीफ का जो जूस है उससे जुएँ वगैरह मारने के, लाइस किलिंग ऑफ द लाइस में काम में लिया जाता है। फाइबर्स जो रेशे होते हैं, युक्का फिलामेंटोसा जो प्लांट है उसकी लीफ से जो फाइबर निकलता है वो रस्सियाँ वगैरह बनाने के काम आता है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में बहुत सारे प्लांट्स हैं, ट्यूलिप जिसको हम बोलते हैं, ट्यूलिपा की स्पीशीज़ हैं, ग्लोरियोसा सुपरबा है, ड्रेसीना है, एस्पेरेगस की प्रजातियाँ हैं, ये सारी ऑर्नामेंटल प्लांट्स के अंतर्गत आती हैं। अब हम आते हैं इसके जो हैबिट है, हैबिट आप जानते हो ज़्यादातर प्याज है, लहसुन है, ये सारे के सारे हर्ब्स हैं और इनमें सिम्पोडियल ब्रांचिंग पाई जाती है। युक्का और ड्रेसीना ये प्लांट जो है ये ट्री जैसे हैं दोनों। कुछ वुडी क्लाइंबर्स भी पाए जाते हैं जो कि जिनके अंदर छोटे छोटे कांटे निकले रहते हैं और उनके जो पत्तियों में जो स्टिप्यूल होते हैं वो टेंड्रिल्स में परिवर्तित हो जाते हैं। टेंड्रिल होती हैं जो गोल गोल स्प्रिंग जैसी होती हैं, वो टेंड्रिल्स में परिवर्तित हो जाते हैं। जो बेले होती हैं, जो क्लाइंबर्स होते हैं, उनके प्लांट्स में टेंड्रिल्स में परिवर्तित हो जाते हैं स्टिप्यूल्स, और उस बेल को ऊपर चढ़ने में वो मदद करते हैं। स्टेम ज़्यादातर प्लांट्स में राइजोम या बल्ब बन गई है, आपने देखा है जो प्याज है वो जो हम खाते हैं वो बल्ब है, एक्चुअल में वो स्टेम है या कुछ राइजोम बन जाती है। स्टेम हर्बेशियस होती है, सॉफ्ट होती है, और जैसे गार्लिक है यानी लहसुन है, प्याज है, इनमें तो अंडरग्राउंड रहती है, बाकी सब में एरियल होती है। जिसमें एरियल होती है उसमें ब्रांच्ड होगी, सिलेंड्रिकल होगी, सॉलिड होगी, ये कैरेक्टर्स होते हैं। और हर्बेशियस होती है ज़्यादातर यानी सॉफ्ट होती है। लीव्स जो है इसमें थोड़ा सा वेरिएशन पाया जाता है, प्याज और लहसुन में बेसल लीव्स होती हैं और अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है, रेयरली कभी कभी ऑपोजिट या वर्ड अरेंजमेंट हो जाता है। लीव्स की शेप आपने देखी होगी, जैसे प्याज की जो पत्तियां वो तो बिल्कुल पतली पतली लीनियर होती हैं, और ग्वारपाठा की देखी होगी वो ओवेट टाइप की होती हैं, ब्रॉड ओवेट लंबी लंबी। ग्वारपाठा की जो पत्तियां हैं एलोवेरा की वो फ्लैशी होती हैं, गूदेदार होती हैं, लार्ज बड़ी होती हैं और उसमें पानी स्टोर्ड रहता है बहुत अधिक मात्रा में। वेनेशन पैरेलल होता है, मोनोकॉट्स में हमेशा जो सिरा विन्यास होगा वो पैरेलल होगा, जालिका व्रत नहीं होता है। एस्पेरेगस जो मूसली होती है उसकी जो लीव्स हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, बारीक बारीक छोटी छोटी, आपने देखा होगा कभी मूसली का पौधा आप देखना तो उसकी जो लीव्स हैं आपको समझ आएंगी। पुष्पक्रम सिंपल या कंपाउंड रेसीम है, ठीक है। अंबल भी पाया जाता है, जैसे प्याज के अंदर अंबल होता है, लेकिन उस अंबल के ऊपर एक कवरिंग होती है ब्रैक्ट्स की, स्पेथ जैसी, जैसे कि केले में भी पाई जाती है वैसे स्पेथ जैसी ब्रैक्ट की एक कवरिंग होती है किसके अंदर, प्याज के अंदर। और कुछ प्लांट्स इस फैमिली के ऐसे हैं जो सॉलिटरी यानी एक सिंगल फ्लावर्स
उगते हैं वो किसी पुष्प क्रम के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसमें कैलेक्स और कोरोला नहीं डिफ्रेंशिएट होता है। इस फैमिली में पेरियांथ पाया जाता है, यानी जिसको बाह्य दलपुंज और दलपुंज में हम विभाजित नहीं कर सकते उसे हम पेरियांथ कहते हैं, और पेरियांथ की इकाई टेपल कहलाती है। तो 6 टेपल पाए जाते हैं, 3 बाहर और 3 अंदर, 2 सर्कल में, 3 बाहर 3 अंदर, यानी 3+3 का अरेंजमेंट है। और जो सेपल्स होते हैं, टेपल्स बोलेंगे इनको, सेपल और पेटल ना बोल के, पेरियांथ की इकाई होती है टेपल। ये गैमोटेपलस भी हो सकते हैं, पॉलीटेपलस भी हो सकते हैं, इम्ब्रिकेट भी हो सकते हैं, और वाल्वेट भी हो सकते हैं। पुंकेसर, एंड्रीशियम, पुमंग की बात करते हैं तो वो भी 6 हैं। और क्योंकि मोनोकॉट्स जो है ना, ज़्यादातर मोनोकॉट्स की जो फैमिलीज होती हैं वो ट्राईमेरस होती हैं, जिसमें 3 या 3 का गुणा मल्टीपल पाया जाता है। 2 वर्ल्ड्स में पाए जाते हैं 3+3, यानी 6 जो पुंकेसर हैं, 3 बाहर और 3 अंदर, और तीनों के तीनों, 6 के 6 फ्री होते हैं, फिलामेंट्स फ्री, और कुछ एक में थोड़े से जुड़े हुए भी पाए जाते हैं। बेसी फिक्स्ड है, इंट्रोज या एक्सट्रोज हो सकते हैं, अंदर की तरफ फेस करते हुए या बाहर की तरफ फेस करते हुए। गाइनीशियम वही ट्राईकार्पिलरी, सिनकार्पस, ट्राइलोक्युलर, सुपीरियर, एक्साइल प्लासेंटेशन, स्टाइल 1 है, और स्टिग्मा 3 होते हैं, यानी ट्राईलोब्ड स्टिग्मा होता है। कैप्सूल इसका फ्रूट है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, एक फ्लावर है इसका, स्माइलेक्स ज़ेलेनिका। स्माइलेक्स ज़ेलेनिका का फ्लोरल फार्मूला है, ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना। स्माइलेक्स में आप इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये जो फ्लावर है ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल नहीं होते हैं। यहाँ पे जो मैंने बनाया है, अब ये करेक्शन संभव नहीं है इसमें वीडियो में, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ, स्माइलेक्स ज़ेलेनिका में ये जो बाइसेक्सुअल है इसकी जगह यूनिसेक्सुअल कर दो। मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर अलग होता है। जो ये कॉमन मैंने बना दिया है, इसको अलग अलग करके बनाना। P3+3 लिखा है, A3+3 लिखा है। तो अगर आप मेल फ्लावर का फ्लोरल फार्मूला लिख रहे हो तो लिखना ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, मेल का साइन बनाना, P3+3, A3+3, और G को आप 0 कर दोगे। और फीमेल फ्लावर का आप लिखोगे तो यहाँ पे फीमेल फ्लावर का निशान बनाना और A को 0 कर दोगे और G को 3 करेंगे आप, ठीक है। फ्लावर बहुत ज़्यादा फ्लावर्स इसके मैंने आपको नहीं बताएं, वो भी लिख लीजिए। शोई होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं, ब्रैक्ट होती है लेकिन ब्रैक्टियोल नहीं होता। एक्टिनोमॉर्फिक, मैक्सिमम केसेस में एक्टिनोमॉर्फिक, और बाइसेक्सुअल, लेकिन ये लिखा है ना स्माइलेक्स में यूनिसेक्सुअल होते हैं, ट्राईमेरस। तो ये स्माइलेक्स का ही फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम है। तो आप इसको सिंगल सिंगल फ्लावर का कर लीजिएगा, मेल का अलग और फीमेल का अलग। ये मेल फ्लावर का फ्लोरल डायग्राम है। अब देखिए ये 3 जो बाहर के हैं, ये बाहर के टेपल्स हैं और फिर अंदर के 3 टेपल हैं, तो ये 3+3 अरेंजमेंट है और सारे फ्री हैं, और 3+3 ही इसमें स्टेमेंस हैं, यानी आपको एंथर्स दिख रहे हैं 6। इसमें नीचे सेंटर में गाइनीशियम नहीं दिखाया, तो ये मेल फ्लावर है और ये सिंगल ब्रैक्ट है एक नीचे। फीमेल फ्लावर देखते हैं, तो फीमेल फ्लावर में भी वही 6 जो टेपल्स हैं, 3+3 मैंने क्रॉस लगा दिए, इसमें एंथर्स नहीं है, और ट्राईकार्पलरी, ट्राईलोक्युलर, सिनकार्पस आपको सेंटर में कार्पल दिख रहा है, दिख रहे हैं, ओवरी दिख रही है, ये फीमेल फ्लावर है और ब्रैक्ट दिख रहा है। तो सिंपल फैमिली है ये प्याज की, और बहुत ज़्यादा इसमें कोई वेरिएशंस नहीं है। ये कंप्लीट होती है फैमिली लीलिएसी।